हाँ लोगों को लूट के गायब हो जाते हैं, असासे की मुंतकिल कर देते हैं, उसके लिए विल क्लैम्प डाउन वेरी हैवली ऑन देम। और जो जनरल जो हैं, जो अच्छे बिजनेस हैं, बिजनेसमैन हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी हम मावनत भी करेंगे, उनको इनक्रेज भी करेंगे। और भी इसके चंद खदोखाल हैं। जो सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ होगी जो रेगुलेटर के डोमेन में आती है कि जब आप NOC देंगे तो NOC के साथ जो जितने अलॉट हैं हर एक का डे वन के ऊपर ही अलॉटमेंट नंबर होगा, जितनी इनके पास रकबा है उतनी ही वो प्लॉट्स की फरोख्त कर सकेंगे। तो इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि बड़े दुरस्त असरात मरतब होंगे और ये जो लोग मजीद इस झांसे का और इस फ्रॉड का शिकार होते हैं वो उनके से बच जाएंगे। इस सिलसिले में जो अवेयरनेस है इसका बड़ा कलीदी रोल है। जैसे कि डीजी साहब ने बताया कि इस हफ्ते में पूरे मुल्क भर में इंसदाद रिश्वत सतानी और बदअमानी के सिलसिले में एक अवेयरनेस कम्पेन चला रहे होते हैं। आज की ये तकरीब भी उसी सिलसिले की कड़ी है। तो ये अवेयरनेस का मैसेज जितना हम दूर तक तमाम अहबाब तक फैला सकें उतना बेहतर है। थोड़ी ताखीर से हम ये काम करें, हमें थोड़ा जल्द करना चाहिए था। मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं खुद बिलखसूस हुकूमत पंजाब का मशहूर हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, कि उन्हें तमाम अपने जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तलबा को उनकी मावनत के साथ एक बड़ी एलैबरेट अवेयरनेस कम्पेन उन्होंने तश्कील दी। मुझे बताया गया कि तकरीरी मुकाबले हुए, मुबाहिसे हुए हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, वॉक फॉर अ कॉज का इनेकाद किया गया। और जो हमारा मैसेज था वो हमने आउटसोर्स किया अपने यूथ को, और मुझे उम्मीद है कि अब ये बच्चे हमारी यूथ नैब के एम्बेसडर्स बन के, पैगंबर बन के ये मैसेज अपने अपने हलकों में फैलाएंगे। ख्वाब वो उनकी क्लास है, उनका स्कूल है, उनका घर है, मोहल्ला है, इस तरह ये जो पॉजिटिविटी है ये स्प्रेड करेगी। नैब के हवाले से चंद तहफ़ात रहते हैं, अभी भी हैं, कोशिश मेरी है, अब जैसे आप बैठे हैं, लास्ट टाइम भी मैंने कोशिश की थी उनको ज़ाहिल कर सकूं, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश के ज़ाहिल नहीं मैं कर सका उन असरात को या उन तहफ़ात को। और उसकी वजह भी है, एक तो है कि वो तहफ़ात जायज़ हैं। जो बुनियादी तहफ़ है कि नैब सुस्त रवि का और हसूल इंसाफ में इसमें दाखिल का शिकार रहता है, बात दुरुस्त है। इसकी दो वजूहात हैं, मेरी कोशिश है कि इसको मैं कम से कम टाइम में सर्विस डिलीवरी की तरफ जाऊं। एक तो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं पिछले चंद सालों से नैब के कवानीन में मतवातर तब्दीलियाँ होती गई हैं। वी वर ऑपरेटिंग ऑन टू एक्सट्रीम्स, एक एक्सट्रीम थी ड्रैगोनियन लॉ की, फिर दूसरी एक्सट्रीम बन गई कि इट वॉज हार्डली अ लॉ। तो अभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर वो टाइमली इंटरजेक्शन की है और वी हैव नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक रूल बन गए हैं, कानून बन गए हैं, उस पर हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। केस को प्रूव करने के लिए कुछ चैलेंजेस का इजाफा हो गया है। तो अब जब क्योंकि गोल पोस्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुतय्यन हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि बग़ैर मजीद अल्तवा के हम इन केसेस को जल्दी कंक्लूड कर सकेंगे। एक तो ये वजह थी जिसकी वजह से पिछले चंद सालों में कुछ अल्तवा रहा। दूसरा था कि हम लोगों ने वक्त के साथ अपने अपने प्रोसेसेस को अपडेट नहीं किया। तो अभी देयर इज अ ग्रेटर रिलायंस ऑन इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेटेड प्रोसेसेस। हमने अपने प्रोसेस को शॉर्टन कर दिया, ऑटोमेट कर दिया, टेबुलेट कर दिया, टेंजिबल शर्म्स में सब्जेक्ट्स के बजाय, सब्जेक्टिव के बजाय हमने उनको टेंजिबल फील्ड्स में लेके आ गए हैं। और फिर जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड अदर बॉडीज असाइंड विद डाटा कलेक्शन लाइक नादरा, लाइक FIA, तो जब हमारे पास एक मेजर डाटा बैंक आ जाता है तो वी आर एबल टू गेट अ फ्यूज पिक्चर एंड गेट यू नो अर्ली कंक्लूजन दैट वी वांट टू ड्रॉ। तो ये ऑटोमेशन चंद माह में कंप्लीट हो जाएगी। तो होपफुली उसके दो फायदे होंगे, एक तो हमारे प्रोसेसेस तेज़ होंगे, दूसरा ये होगा कि हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम होगा, साइल को हमारी तरफ चल के नहीं आना पड़ेगा, आपने सिर्फ लॉग इन करना है, अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है, आपको जो रिक्वायरमेंट है जो दस्तावेज जमा कराने की वो आप ऑनलाइन जमा कराएंगे। तो दिल भी मिनिमल इंटरेक्शन बी ओनली रिक्वायर्ड वंस अ केस प्रोसीड्स टू एन इन्वेस्टिगेशन स्टेज।
तो मुझे उम्मीद है उसके बाद जब ये इस पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो ये जो जो हमारे खदशात हैं इसमें नुमायाँ कमी होगी। दूसरा जो लोगों को शिकायत हफ्ज़ रहता है कि गैर महज़ब रवैया, ये भी बात दुरुस्त है। माजी में मैं इसकी कमी रही है, मेरी पूरी कोशिश है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि नैब एक प्रोफेशनल बॉडी बन के रहेगी, बन रही है और बड़े महज़ब तरीके से हम लोगों से पेश आएंगे। अगर हम नहीं करें तो नैब अपने काम में फेल होगी, राजदारी के साथ, शाइस्तगी के साथ। ये हमारे बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स होंगे। हम गैर ज़रूरी तशहीर से इजतनाब करेंगे। दिल नोट बी एनी सेल्फ प्रोजेक्शन। इवन जो मुलज़िम है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी सीवी स्टेज के ऊपर, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर, और कोशिश करेंगे इवन इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे। उसके बाद जब रेफरेंस फाइल हो जाता है फिर तो ज़ाहिर है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो फिर वो तफसीलात शेयर करनी पड़ती हैं। और हम तो ये भी कोशिश करें कि मुलज़िम को मुलज़िम ना कहा जाए बल्कि उसको रिस्पोंडेंट कहा जाए। जब वो बाद में क्विट हो जाता है तो अगर हमने उसको दो साल मुलज़िम कह के पुकारते गए तो वो एक जहन पे एक बोझ रहता है कि हमने खाम खा किसी की इज्जत उछाली है। तो ये मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ कि नहब बदल के रहेगा। ये मेरी कलीदी जिम्मेदारी है कि हम इसको बदल करेंगे। इसी तरीके से हरासगी के कुछ थे इल्ज़ाम, इसका भी खात्मा होगा। जो भी हमारे पास साइल आता है वो हमारे लिए भाई से इज्जत है, हमारे मेहमान का दर्जा है, उसे इज्जत के साथ पेश किया जाएगा। इस पर अमल होना शुरू हो गया है। और जब वो वापस जाता है, दो रीजन में शुरू हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ नए दौर में भी ये होगा कि वह वापस जाने से पहले एक अपना असेसमेंट परफॉर्मा भी जमा करवाएगा। उस पर लिखा होगा कि साहब ने उसे मदू किया, कितना टाइम उसको इंतज़ार करवाया गया, तफ्तीशी अफसर का रवैया कैसा था, मुनासिब था, गैर मुनासिब, इस किस्म के तमाम उसकी फील्ड हैं। और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट डेली बेसिस पे डीजी साहब के पास जाता है, वीकली बेसिस पे उसकी सेंट्रल रिपोर्ट मेरे पास भी आती है। और कई लोग हैं अभी भी जिन्होंने अपने साहिल को 2 घंटा वेट करवाया, शास्त्री से भी पेश है, तो उनके साथ फिर द लॉ टेक्स इट्स कोर्स। अगर आप लोगों का हम पे एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, खौफ की फजा है, तो नैब अपना काम नहीं कर सकता। नैब ने अगर कामयाब होना है तो आप हम सबको इकट्ठा होकर इस कौमी फरीजे को अपनी कौमी और इज्तमाही जिम्मेदारी में हम सब ने बराबर का हाथ डालना, हिस्सा डालना है इसके अंदर। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होके इस काले खैर में अपना हिस्सा डालें। कोई फर्द वाहिद, कोई एक सिंगल अदारा इस मुल्क को करप्शन से आज़ाद नहीं कर सकता जब तक कि पूरा माशरा, तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे ना हों। जब मैं स्टेक होल्डर्स कहता हूँ, मैं तलबा का जिक्र करता हूँ, उलमाए किराम का, उस्तादज़ा का मैं जिक्र करता हूँ, इंतज़ामिया का, सिविल सोसाइटी का और हमारी सहाफ़ती बरदरी का। ये बहुत बड़ा नासूर है, एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसको मुख्तलिफ लेवल पे तंदही के जांबशानी के साथ इसका खात्मा करने की ज़रूरत है। इसके साथ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर नैब की वजह से हमारे माशरे में, हमारे दफातर में कोई खौफ है तो नैब फिर अपना काम नहीं कर रहा। और मैं अपने काम में और डीजी साहब और इनकी जो टीम है अपने काम में हम लोग सरखरू नहीं हुए। तो प्लीज़ आज के बाद खौफ हो हरासगी की जो कैफियत है उसको दूर करें, उसको समझें ये दूर हो चुकी है। सब मिल के बढ़ चढ़ के मुल्क की तरक्की में अपना काम करें। हमारे कारोबारी हजरात भी यहाँ पे शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनको भी अशोर करना चाहता हूँ, नैब आपको तंग नहीं करेगी, आप खुल के बढ़ चढ़ के मुल्क की तरक्की में अपना
कलीदी रोल अदा करते रहे हैं। मैं जो नैब है आपकी मुहाफिज होगी, आपकी मावनत करेगी। इसी तरीके से जो मेरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, मैं आपको फिर ये रीइंफोर्स कराना चाहता हूँ, रीअश्योर कराना चाहता हूँ कि नैब को आप अपना साथी पाएंगे। मैं इसके बाद सिविल सेक्रेटरीट में जाके अपने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी मिल रहा हूँ और उनको भी रीअश्योर कराना चाहूँगा कि हम इकट्ठे एज ए टीम वर्क के साथ चलेंगे। अगर कोई हमारे पास कोई शिकायत आएगी, द फर्स्ट राइट ऑफ कॉग्निशंस वुड बी विद द चीफ सेक्रेटरी एंड फॉर हिज टीम। वो अपनी जाके अपनी छानबीन करके हमें जवाब दे दें और हम बड़ी राजदारी के साथ करेंगे इसको। एक बड़ा ना डेलिकेट बैलेंस रखने की, एक तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत होती है। अब हर एक को डराना शुरू कर देंगे तो फिर मुल्क का और इस मईशत का जो पहिया है ये कैसे आगे चलेगा। विल बी ट्राइंग नॉट टू फाउंड द होल विलेज व्हाइल कैचिंग अ थीव, विल बी गोइंग फॉर अ वेरी टारगेटेड ऑपरेशंस विद प्रिसिजन। हमने सिर्फ एक चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना, और ये हमारा फिलॉसफी है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर कमी आना शुरू हो गई है, इंसिडेंस ऑफ करप्शन में ख़त्म नहीं हुआ बट लेकिन उस स्टेज पे भी कमी अभी नहीं आई कि मैं बड़े जिसे कहते हैं फ़ख्र के साथ आपके साथ शेयर कर दूँ। इट्स जस्ट हम्बल बिगनिंग और वेरी बिग ऑब्जेक्टिव फॉर विच वी हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये मेरी चंद एक गुजारिशात थी। मैं तमाम अहबाब का मौजूदीन का आपकी तशीवाबी पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिलखसूस उन बच्चों का जिन्होंने आज की इस तकरीब के हवाले से हिस्सा लिया। मुझे बताया गया बड़ा जोश व खरोश, एक बड़ा नुमायाँ जोश व खरोश था जिससे बलबले के साथ आपने हिस्सा लिया है और अपने अपने जो आपकी जामिया थी, आपका स्कूल कॉलेज है, उसका नाम रोशन किया है। तो आपकी इस एसोसिएशन से हम आपको अपना नैब एम्बेसडर मुकर्रर कर रहे हैं। इसी तरीके से जो बाकी हमारे हजरात आए एक खुशगवार मैसेज लेके जाएं कि नैब अभी आपका मुहाफिज है, मुआविन है, आपको इससे कोई इंशाल्लाह शिकायत नहीं होगी। तो आखिर में आज की इस पुरवकार तकरीब के मुंतजमीन जो हैं और डी जी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि बड़े तवातर के साथ और जितना जल्द हो सके इसी तरह की तकरीब का इनेकाद करें और हकदारों को उनका हक फौरी वापस करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।